डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। आज अपन पढ़ेंगे कि शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका है। शिक्षा में विद्यालय की भूमिका को कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है सुयोग्य एवं उपयोगी नागरिकों का निर्माण करना। विद्यालय एक सामाजिक संस्था होने के नाते उसका यह दायित्व है कि समाज के प्रत्येक नागरिक को ऐसा शिक्षित करे कि वह हर प्रकार से सुयोग्य और समाज के अस्तित्व के औचित्य का अंकन उपयुक्त दायित्व के निर्वहन की भूमिका से करे। दूसरा जो पॉइंट है वह है लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। विद्यालय समाज का एक आवश्यक अंग होने के कारण उसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि वह समाज के प्रत्येक सदस्य में लोकतांत्रिक समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना हेतु अपने क्रियाकलापों द्वारा संविधान में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वांछित अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों का विकास करने का भरसक प्रयास करें, ताकि एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था की स्थापना हो सके। तीसरा पॉइंट अपन ले सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं हस्तांतरण करना। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह समाज की सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपराओं का हस्तांतरण नई पीढ़ी को करे तथा इस प्रकार की भावना जागृत करे कि वह पीढ़ी अपने समाज की इन सांस्कृतिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं आदर्शों को अक्षुण रखते हुए इनके समुचित विकास में सहायक सिद्ध हो सके। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तनों की सहायता करना। विद्यालय का दायित्व यह है कि वह समाज के भावी सदस्यों का निर्माण इस प्रकार करे कि वे देश काल की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल अनुपयोगी मूल्यों के त्याग एवं वांछनीय नवीन मूल्यों के ग्रहण करने में सक्षम हों। समाज में शिक्षा का प्रसार करने का बीड़ा उठाकर सभी को शिक्षित करना होगा, ताकि समाज वांछित परिवर्तनों को अपनाने में हिचके नहीं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय एकता का विकास करना। वर्तमान समाज जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा तथा दूषित दलगत राजनीति के संकीर्ण दायरों में इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि अलगाववाद, राष्ट्रविरोधी कृत्यों तथा आतंकवादी प्रवृत्तियों के उन्मूलन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। परिणाम स्वरूप आए दिन राष्ट्रविरोधी कार्रवाई तथा वर्ग संघर्ष की घटनाएं घटित हो रही है। विद्यालय का कर्तव्य है कि समाज के प्रत्येक सदस्य एवं युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करे। विद्यालय की नई पीढ़ी में ऐसी भावनाओं का विकास करना है जिससे वे जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रीयवाद और भाषावाद के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठे और उनमें राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न हो। अगला पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना। विद्यालय को पाठ्यसहगामी एवं पाठ्येतर क्रियाओं का ऐसा सफल आयोजन करना चाहिए कि विद्यालय का प्रत्येक छात्र इनमें भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आज वैज्ञानिक अनुसंधानों, खोजों तथा आविष्कारों के परिणाम स्वरूप विश्व के विकसित राष्ट्रों के उन्नति के नए मानक स्थापित किए हैं। विद्यालयों का यह कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें और उन्हें समाज उपयोगी नागरिक बनाने में देश को विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में ला सके। अगला पॉइंट है शिक्षा का उत्पादकता से संबंधित करना। देश की समृद्धि तथा देशवासियों का जीवन स्तर तभी उच्च हो सकेगा जब देश का प्रत्येक नागरिक उत्पादक कार्यों में रुचि
और रुचि, स्थान और निष्ठा से कार्य करें। यह उसी स्थिति में संभव है जबकि शिक्षा को व्यावसायिक बनाकर उत्पादकता से जोड़ा जाए। ये था विद्यालयों में शिक्षा की भूमिका।